डियर स्टूडेंट्स दिस इज प्रवीण कुमार अग्रवाल फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी चंदोसी वेलकम्स यू इन टुडेज लेक्चर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द थर्ड मैथड ऑफ मेजरिंग प्राइज इलासिटी ऑफ डिमांड दैट इज टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मैथड जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने दो मैथड्स डिस्कस कर लिए थे पहला था परसेंटेज मेथड और दूसरा था पॉइंट मेथड और इन दोनों मेथड के हेल्प से हमने प्राइस इलास्टिटी को मेजर करने के फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया था अब आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरीके से हम डिफरेंट प्राइस इलास्टिटीज को मेजर कर सकते हैं तो क्या कहता है ये मेथड अंडर दिस मेथड टू मेजर इलास्टिटी ऑफ डिमांड वन फाइंड फाइंड्स आउट हाउ मच एंड इन वॉट डायरेक्शन टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइज ऑफ अ कॉमर्टी इस पर्टिकुलर मैथड के अकॉर्डिंग हम जब एक पर्टिकुलर कॉमर्टी के प्राइस में चेंज करते हैं तो उस प्राइस में चेंज की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना और किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है इसके हेल्प से हम प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं वी कैन कंसिडर थ्री पॉसिबिलिटीज तीन पॉसिबल सिचुएशन है यहां पर पहले बात करते हैं राइज और फॉल इन द प्राइज ऑफ द कॉमोडिटी अगर किसी कॉमोडिटी के प्राइस में राइज हो रहा है या फिर उसके प्राइस में फॉल हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइज एंड क्वान्टिटी डिमांडेड कंज्यूमर ने एक पर्टिकुलर प्राइस पर कुछ क्वांटिटीज को कंज्यूम किया अगर मैं उस प्राइस को क्वांटिटी डिमांडेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे मुझे मिल जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर अगर प्राइस में चेंज हुआ तो उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा चेंज होगा दैट इज ऑब्वियस अगर वो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता है जबकि प्राइस राइज हो रहा है या प्राइस फॉल हो रहा है यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस था उस समय जो एक्सपेंडिचर था प्राइस के राइज़ होने के बाद या प्राइस के फॉल होने के बाद भी टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही रहता है जितना पहले था तो उस कंडीशन में जो प्राइस इलास्टिक डिमांड होगी वो होगी यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड पॉइंट इसके लिए सेकेंड कंडीशन लेके चलते हैं सेकेंड सिचुएशन लेके चलते हैं अगर प्राइस में फॉल हो रहा है इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइज ऑफ द कम्योनिटी और उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है पॉइंट समझ लीजिए इसको ना प्राइस डिक्रीज हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है इसमें दो केसेस हैं या फिर प्राइस राइज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है पॉइंट इज क्लियर तो दोनों ही केसेस में जो इलास्टिटी होगी वो रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड होगी पॉइंट इज क्लियर प्राइस में फॉल हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है प्राइस में राइज हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है तो दोनों ही केसेस में रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड का केस बनेगा दैट इज द सेकेंड सिचुएशन थर्ड सिचुएशन में भी दो केसेस हैं अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और उनके साथ साथ टोटल एक्सपेंडिचर जो चेंज हुआ नया जो एक्सपेंडिचर आया वो पहले के मुकाबले डिक्रीज हो गया या फिर प्राइस के इंक्रीज होने के साथ साथ जो नया टोटल एक्सपेंडिचर आया वो पहले के मुकाबले इंक्रीज हो गया तो दोनों ही केस में जो इलास्टिटी होगी वो रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड होगी पॉइंट इस क्लियर तो इन तीन सिचुएशन के बेसिस पर हम डिग्री और प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड के नेचर को डिफाइन कर सकते हैं इसमें खास बात क्या है इसमें इस टोटल एक्सपेंडिचर मैथड से आपको ये तो पता चल जाएगा कि इलास्िटी ऑफ डिमांड यूनिटरी है रिलेटिवली इलास्टिक है या रिलेटिवली इनलास्टिक है लेकिन इसके हेल्प से आप वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसा कि आप परसेंटेज और पॉइंट मेथड में कर सकते थे डायरेक्शन पता चल जाएगी आपको लेकिन कितना चेंज होगा उस परसेंटेज चेंज को आप इस मेथड के हेल्प से डिटरमाइन नहीं कर सकते नाउ वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द एग्जाम्पल हेयर ये एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ मैंने तीन सिचुएशन लिए हैं सिचुएशन ए सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी प्राइस को मैंने चेंज नहीं कराया जब प्राइस रुपीज़ टू पर यूनिट थे तब ए सिचुएशन में क्वान्टिटी डिमांडेड थी फोर प्राइज डिक्रीज़ होकर टू से वन रह गए लेकिन जो क्वान्टिटी है वो क्या हुई इंक्रीज़ होगी और फोर से बढ़कर कितनी हो गई एट हो गई तो देखो पहले केस में कितनी टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्म क्या होता है टू इन टू की टू इंटू फोर इजगल टू एट यहाँ भी वन इंटू एट इंटू इजगल टू एट तो जो नया एक्सपेंडिचर है वो इनिशियल या ओरिजिनल एक्सपेंडिचर के इक्वल है यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो ये कौन सी इलास्टिटी हो गई दिस इज नोन एज द यूनिटरी प्राइज इलास्टिक डिमांड क्लियर नाउ टेक द सिचुएशन बी प्राइज टू है डिमांड फोर की है प्राइस टू से वन रह गए डिमांड फोर से इंक्रीज होकर टेन हो गई अब पर टोटल एक्सपेंडिचर चेक करते हैं टू इंटू फोर एट वन इंटू टेन टेन टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है जब टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में और प्राइस क्या हो रहे हैं फॉल हो रहे हैं प्राइस फॉल हो रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये क्या बनेगी दिस विल बी द सिचुएशन नंबर सेकेंड रिलेटिवली प्राइज इलास्टिक डिमांड इप इज ग्रेटर देन वन क्लियर अब सीचुए सी सिचुएशन लेकर चलते हैं प्राइस टू डिमांड थ्री प्राइस टू से डिक्रीज होकर वन हो गए डिमांड फोर यूनिट्स की हो गई है बढ़कर टू इंटू थ्री सिक्स इनिशियल टोटल एक्सपेंडिचर वन इंटू फोर इजकल टू फोर न्यू एक्सपेंडिचर जो न्यू एक्सपेंडिचर है वो पुराने से क्या हो गया डिक्रीज हो गया तो टोटल एक्सपेंडिचर जब डिक्रीज होता है प्राइस के डिक्रीज होने के साथ साथ तो हम उसे बोलते हैं रिलेटिवली प्राइज इन इलास्टिक डिमांड यानी कि यहाँ पर एपी की वाली क्या होगी एक से कम होगी तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो नेचर ऑफ इलास्टिसटी या प्राइस इलास्टिटी को फॉलो कर सकते हो लेकिन उसे एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते ओके द लास्ट एंड फोर्थ मैथड ऑफ मेजरिंग प्राइज इलासिटी इज आर्क मैथड आर्क का मतलब होता है चाप यानी कि सर्किल का एक स्मॉल सेगमेंट दैट इज नोन एज आर्क यानी कि इस मैथड को हम तब यूज करते हैं जब डिमांड कर्व, एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ना होकर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में होता है दिस मैथड ऑफ मेजरिंग प्राइज इलासिटी इज यूज ड कर्व इज आ रेक्टेंगुलर हाइपर वोला नॉट अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व क्लियर जैसे डायग्राम में देखते हैं इसको डायग्राम में मैंने डी टी डि को ड्रॉ किया है दिस इज आ रेक्टेंगुलर हाइपर वोला कर्व प्राइज इनिशियल प्राइज ओ पी कैरस्पॉन्डिंग टू दिस इनिशियल क्वान्टिटी डिमांडेड ओ क्यू जिसको मैंने स्मॉल पी और स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया है आफ्टर अ चेंज न्यू प्राइज बिकम्स ओपी वन दैट इज इक्वल टू स्मॉल पी वन एंड न्यू क्वान्टिटी डिमांडेड बिकम्स ओ क्यू वन दिस इज इक्वल टू क्यू वन अब हमें अगर इस मैथड से प्राइज इलासिटी को कैलकुलेट करना है तो इसका एक नया फॉर्मूला है क्या है फॉर्मूला कम टू द फॉर्मूला प्राइज इलासिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन न्यू क्वान्टिटी प्लस इनिशियल क्वान्टिटी टोटल के अपॉन में चेंज इन प्राइज अपॉन न्यू प्राइज प्लस इनिशियल प्राइज दिस इज द फॉर्मूला

इसी वजह से क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है जब हम डिफरेंस काउंट करेंगे तो एक का साइन तो पॉजिटिव होगा और दूसरे का साइन नेगेटिव होगा क्योंकि एक बढ़ रही है और एक वैल्यू घट रही है एक इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है इसी वजह से एक साइन क्या आएगा यहां पर निगेटिव का इंट्रोड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली फॉर्मले के साथ साथ अब हम इसको रिवर्स करते हैं तो ई पीजिकल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इन टू पी वन प्लस पी ये ऊपर चला जाएगा और क्यू वन प्लस क्यू इसके नीचे आ जाएगा तो प्यू वन प्लस क्यू वन प्लस की क्यू वन प्लस क्यू दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग प्राइस ऑफ ऑफ डिमांड विद द हेल्प आर्क प्राइज इलासिटी इनवर्स रिलेशन नेगेटिव साइन जो है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के इनवर्स रिलेशन uh, को रिप्रेजेंट करता है ओके सो नाउ यू आर क्लियर विद द आर्क मैथड अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि इन मैथड्स के हेल्प से हम किस तरह से प्राइस इलास्टिटी को न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन न्यूमेरिकल्स ऑन मेथड्स मेजरिंग प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड तो पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है कैलकुलेट इलास्टिटी ऑफ डिमांड ऑफ कॉम्युनिटी ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कॉमिटी दे रखी है आपको ए और बी इनिशियल प्राइस दे रखे हैं इसके फोर बी के थ्री न्यू प्राइस रखे हैं ए के फाइव बी के फोर इनिशियल क्वांटिटी दे रखी है ए की फाइव बी की फाइव न्यू क्वांटिटी दे रखी है ए की थ्री और बी की फोर अब हमें ए और बी दोनों के रेफरेंस में प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है तो हम इसमें परसेंटेज मेथड का यूज करेंगे तो कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम फॉर कॉमिटी है पी की वैल्यू दे रखी है फोर

डेल्टा क्यू की वैल्यू है कितनी आपके पास माइनस टू डेल्टा पी की वन पी की वैल्यू है फोर और क्यू की वैल्यू है फाइव माइनस से माइनस कैंसिल फोर इंटू टू एट अपॉन फाइव एंड एट अपॉन फाइव इज इक्ल टू वन पॉइंट सिक्स तो ई पी एट द पॉइंट ए विल बी इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स और इसकी वैल्यू क्या है एक से ज़्यादा है इसका मतलब अंतरजा कैसी होगी इट विल बी रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड क्लियर अब कॉमिटी बी की बात करते हैं तो कॉमिटी बी के लिए पी कितना दे रखा आपको थ्री कितना रखा है फोर क्यू फाइव एंड क्यू वन फोर तो मैंने यहां पर नोट कर ली वैल्यूज अब मैंने डिफरेंस निकाला डेल्टा पी इज इल टू पी वन डिफरेंस पी फोर माइनस थ्री फोर माइनस थ्री इजीगल टू वन डेल्टा क्यू क्यू वन डिफरेंस क्यू फोर माइनस फाइव इजल टू माइनस वन अब परसेंटेज मेथड का फॉर्मला यूज करते हैं ईपीजल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू माइनस डेल्टा क्यू कितनी वैल्यू है माइनस वन डेल्टा पी इज वन इंटू थ्री फाइव एंड थ्री अपॉइंट फाइव टू पॉइंट सिक्स तो पी फॉर कॉमिटी बी इक्वल टू पॉइंट सिक्स एंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट सिक्स इज लेस देन वन और जब वैल्यू लेस देन वन होती है तो उसका नेचर क्या होता है रिलेटिवली प्राइज इन इलास्टिक डिमांड ओके सो यू विल बी क्लियर विथ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा आपको प्राइस ऑफ अ कॉमर्टी राइजेस फ्रॉम रुपीज फोर टू रुपीज फाइव एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम यूनिट्स यूनिट्स टू यूज परसेंटेज मेथड टोटल आउटले मेथड आर मेथड एंड फाइंड आउट प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड ओके तो यहां पर आपको पी दे रखा है फोर पी वन दे रखा है फाइव डेटा पी कितना हो गया फाइव माइनस फोर इज टू वन क्यू इज गिवन यू ट्वेंटी क्यू वन इजिकल टू टेन डेल्टा क्यू कितना आएगा टेन माइनस ट्वेंटी यानी कि माइनस टेन अब परसेंटेज मेथड की बात करते हैं ई पी इजगल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इन टू पी अपॉन क्यू माइनस डेल्टा क्यू कितना आपके पास माइनस टेन हेयर अपॉन वन अपॉन वन डेल्टा पी की वैल्यू है पी फोर क्यू ट्वेंटी सॉल्व करा हमने इसको वी आर गेटिंग द वैल्यू टू एंड टू इज ग्रेटर देन वन तो ये हो गया रिलेटिवली प्राइज इलास्टिक डिमांड क्लियर अब टोटल आउटले मैथड यूज करते हैं यहाँ पर पी इजगल टू तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा यहाँ पर फोर इंटू ट्वेंटी क्योंकि क्यू है ट्वेंटी दैट इज एट्टी P1 हो गया फाइव अब न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा फाइव इंटू टेन क्योंकि Q1 है टेन तो न्यू एक्सपेंडिचर हो गया फिफ्टी प्राइस क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं और क्वांटिटी क्या हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं है, और एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये कैसी डिमांड होगी रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड होगी ये सिचुएशन नंबर टू को एक्सप्लेन कर रही है क्लियर कम टू द नेक्स्ट वन आर्क मेथड इसका फॉर्मूला है ई पी इजिकल टू माइनस डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा पी इंटू पी वन प्लस पी अपॉन क्यू वन प्लस क्यू जैसा हमने मेथड में डिस्कस किया था इसके अब यहाँ हम सारी को पुट अप कर देते हैं माइनस डेल्टा क्यू वैल्यू माइनस टेन अपॉन डेल्टा पी वन पी वन फाइव प्लस फोर पी क्यू वन टेन प्लस क्यू ट्वेंटी टेन अपॉन वन इंटू फाइव प्लस फोर नाइन टेन प्लस ट्वेंटी थर्टी सॉल्व किया इसको हमने वैल्यू मिली थ्री तो यहाँ ई पी की वेल कितनी है थ्री एंड दिस इज ग्रेटर देन वन मतलब ये रिलेटिवली प्राइज इलास्टिक डिमांड का केस बनेगा ओके सो नाउ यू विल बी क्लियर विद दीज न्यूमेरिकल्स ओके थैंक यू